नमस्कार, न्यूज़ फॉर्मेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में 5 सीट पर होने जा रहे राज्यसभा चुनाव को लेकर आरजेडी की तरफ से नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जिसमें मिश्रा भारती और फैयाज अहमद के नाम को तय किया गया। लेकिन इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अब फैयाज अहमद और मिश्रा भारती के पास कितनी संपत्ति है। कल न्यूज़ फॉर्मेशन ने आपको ये स्टोरी दिखाई थी और हमने आपको डिटेल्स में बताया था कि फैयाज अहमद के पास कुल मिलाकर 11 करोड़ की जो है संपत्ति है। लेकिन अब अगर बात करें तो जो जानकारी सामने आ रही है उसमें मिश्रा भारती से ज्यादा अमीर फैयाज अहमद है। चौंकिए मत, क्योंकि ये खबर बिल्कुल पक्की है। जहां पर जो संपत्ति को लेकर जो ब्यौरा सामने आया है, जो डिटेल्स सामने आई है, उसमें मिश्रा भारती से ज़्यादा अमीर फैयाज अहमद है। ऐसे में मिश्रा भारती के पास कुल कितनी संपत्ति है, फैयाज अहमद के पास कुल कितनी संपत्ति है, इसकी पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। बता दें कि लालू प्रसाद यादव की बेटी मिश्रा भारती से राजद के दूसरे राज्यसभा उम्मीदवार फैयाज अहमद ज्यादा अमीर है। राजद से दूसरी बार मिश्रा भारती राज्यसभा सांसद बनेंगी तो राजद के पूर्व विधायक और मेडिकल कॉलेज के मालिक फैयाज अहमद पहली बार राज्यसभा सांसद बनेंगे। दोनों के राजद कोटे से शुक्रवार को विधानसभा सचिव के समक्ष नामांकन किया गया। ऐसे में नामांकन के हल्फनामे में उन्होंने जो जिक्र किया है उसके मुताबिक मिश्रा भारती 9.46 करोड़ रुपए की मालकिन है, तो वहीं फैयाज अहमद 12.25 करोड़ के स्वामी हैं। मिश्रा भारती ने MBBS की डिग्री की है, तो वहीं फैयाज अहमद PhD होल्डर है। ऐसे में बात करें तो मिश्रा भारती के नाम कुल अचल संपत्ति 1.46 करोड़ की है, तो वहीं पति शैलेश के नाम 47.50 लाख है। बेटियां दुर्गा और गौरी भारती के नाम पर 1.26 करोड़ की अचल संपत्ति है। वहीं मिश्रा भारती के नाम कुल चल संपत्ति 1.69 करोड़ की है और पति शैलेश के नाम 4.14 करोड़ की है। बेटियां दुर्गा और गौरी भारती के नाम 42.43 लाख की चल संपत्ति है। मिश्रा भारती पर मनी लॉन्ड्रिंग, आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार, चुनाव से जुड़े खर्च का उल्लंघन और ट्रैफिक रूल के उल्लंघन का केस है। शैलेश के पास एक पिस्टल है। मिश्रा के नाम पर पटना के बेहटा और फुलवारी, पति शैलेश के नाम पर मुजफ्फरपुर और बेहटा, तो बेटी गौरी और दुर्गा के नाम पर पटना, खगौल, फुलवाड़ी और मुजफ्फरपुर में जमीन के कई फ्लैट हैं, जिसमें खेती के जमीन भी हैं। तो वहीं अगर हम फैयाज अहमद की बात करें तो फैयाज अहमद के नाम कुल अचल संपत्ति 2.70 करोड़ की है, तो पत्नी निखत रियाजी के नाम 6.88 करोड़ की है। वहीं फैयाज अहमद के नाम कुल अचल संपत्ति 55.22 लाख की है, तो पत्नी निखत रियाजी के नाम 2.11 करोड़ की है। इसमें 1.71 करोड़ के आभूषण निखत के पास है, तो वहीं खुद फैयाज 15.21 लाख के आभूषण रखते हैं। इसके साथ ही फैयाज अहमद के पास डबल बैरल गन और एक JCB भी है। वहीं निखत टाटा बस की मालकिन है। दिलचस्प ये है कि मिश्रा से अधिक उनके पति शैलेश कुमार, तो फैयाज अहमद से अधिक उनकी पत्नी निखत रियाजी अधिक इनकम टैक्स देती हैं। मिश्रा और फैयाज के निर्वाचित होने के बाद राज्यसभा में राजद के सांसदों की संख्या बढ़कर 6 हो जाएगी। अभी मनोज झा, मिश्रा भारती, AD सिंह, अशफाक अहमद करीम और प्रेम गुप्ता कुल 5 सांसद हैं। तो ये जो कुल संपत्ति का ब्यौरा है वो सामने आया है, जिसमें मिश्रा भारती से ज़्यादा अमीर फैयाज अहमद है। और क्या कुछ डिटेल सामने आए हैं, किसके पास कितनी संपत्ति है, इसकी पूरी जानकारी हमने आपको अपनी इस खबर में बताई है। ऐसे में बात करें तो नामों को लेकर जो नामांकन की प्रक्रिया है वो पूरी हो गई और ये डिटेल्स भी सामने आए हैं, जहाँ पर ये साफ साफ देखा जा सकता है कि मिश्रा भारती के पास जितनी संपत्ति है उनके पति
उनके बच्चों के नाम पर जितनी भी जमीन है, फ्लैट्स हैं या फिर गहने हैं, इसे कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो फैयाज अहमद के पास ज्यादा संपत्ति है, ज्यादा गहने हैं, जमीन भी है, आभूषण भी है, और तमाम जो जानकारी है वो इस वक्त सामने आई है। तो ये तो तय हो चुका है कि मिश्रा भारती के पास फैयाज अहमद से कम संपत्ति, और यही वजह है कि ये जो खबर है वो इस वक्त सुर्खियां बटोर रही है। फिलहाल इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।